हेलो एवरीवन, अभी हम नंबर सिस्टम का एक खूबसूरत सा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। इसको सबसे पहले हम समझेंगे जीरो कैसे बनेगा, क्या बनेगा बेसिक, उसके बाद उस पर जितने सवाल होंगे, मतलब ये जो वीडियो है कंप्लीट 10 या 15 मिनट जो भी होगा वीडियो बनेगा, वो देखने के बाद ये क्वेश्चन यदि आपकी ज़िंदगी में कहीं भी अटैक करे ना तो आप बना दोगे, इसका कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगी। ठीक है, इसका गारंटी है। तो आप 15-20 मिनट खपत करिए और इसको देखिए, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, और ये कंसेप्ट सारे एग्जाम में आते हैं भाई, तो ये आएंगे और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस पे क्या है नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या एक्सप्रेशन में कैसे होता है उस पे हम बात करेंगे, और इसको पहले हम समझेंगे। ठीक है, समझेंगे क्या, किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट में कितने जीरो आएगा ये किस पे डिपेंड करता है, ये देखो। आप पहले मैं बोलूं, कोई भी एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ जीरो कहां पूछता है ये देखिए। पहले यदि आपको ऐसे पूछा जाएगा, ऐसा ऐसा है, आप पूछे बोला जाएगा इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या है लास्ट में, तो आप बोलेंगे दो। यहीं पे यदि आपको ये पूछे 2, 0, 5, 7 नंबर, आप इस पे पूछे नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो आप ये मत बोलिएगा जो नंबर ऑफ जीरो इसमें 4 है। नहीं, नंबर ऑफ जीरो लास्ट में पूछते हैं, आपके मीड में क्या है ये नहीं चाहिए, लास्ट में कंटिन्यूअस कितने जीरो आ रहे हैं इसके बारे में चर्चा हमेशा होती है और यही पूछा जाता है। आपको ये नहीं पूछेगा जो कोई भी एक्सप्रेशन गुणा कर रहे हैं तो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, नहीं, लास्ट में कितने नंबर आए, ये बात केवल और केवल ये जीरो की जीरोज की होती है जो भी कोई भी एक्सप्रेशन के लास्ट में बन रहा है। डन। अब हमको ये बताइए जीरो बनाने मतलब के लिए क्या चाहिए, जीरो मतलब 10 की बात कर रहा है, तो किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट में जीरो बनाने के लिए चाहिए क्या होता है। सर, इसको बनाने के लिए हमको यदि 1, 2 मिल जाए और 1, 5 मिल जाए तो हमको 10 बन जाएगा और 1, 0 मिल जाएगी। 1, 2 और 1, 5 मिल, जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिलके क्या बनाएगी, 1, 0 बना देगी। डन है, दोनों मिलके 1, 0 बना देगी। डन है, यदि यहीं पे हमको 2, 2 मिल जाए और 2, 5 मिल जाए तो सर क्या बन जाएगी, सर 2, 0 बन जाएगी। देख लीजिए 100 है, इसका क्या होता है 25 चौका मतलब 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो क्या मिला यहाँ पे, ये 100 कैसे आया, 100 कैसे आया क्योंकि 2, 0 इसमें है, कैसे आया सर, क्योंकि यहाँ पे सर 2, 1, 5 और 2 का 2-2 पेयर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर पर डिपेंड कर, यदि एक पेयर 2, 5 का मिल गया तो 1, 0, ठीक, 2 बन गया तो 2, 0, 3 मिल गया तो 3, 0, ऐसे ही आपको डिसाइड करना है। और बड़े बड़े एक्सप्रेशन में आपको इसी बात पे दिमाग में रखना है, ये जो एक्सप्रेशन है लंबे इसमें 2 और 5 के पेयर कितने हैं, सही है। अब हम बोल दें धोखा से भी, ये बता दो आप यहाँ पे ये है क्या है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, अब ये बताइए इसमें कितने जीरो बनेंगे, आप बोल दोगे 3, नहीं, आपके पास 3 लड़की है 2 लड़का है, कितना शादी करवा पाओगे, 2 ही ना भाई, पेयर तो 2 ही बनेगी ना, तो 2 इधर और 2 इधर, तो 1 तो बच जाएगा, तो बचा जो है इसको छोड़ दीजिए, मतलब मिनिमम जो दोनों में से होगा उतना जीरो बनेगा। 5 के पावर और 2 के पावर में कहने का तात्पर्य ये हुआ, दोनों के पावर में जो मिनिमम पावर होगा उतना जीरो बनेगी, क्योंकि पेयर उतने बना सकते हैं आप, जितना कम होगा उतना, जैसे 25 लड़की है और 20 लड़का है तो 20 ही शादी हो सकती है, क्योंकि जोड़ा के साथ शादी होती है भाई, तो 20 ही जीरो बनेगी वहां पे, जैसे वहां पे शादी 20 हुई तो सेम कहानी यहां पे हुई। अब आपको एग्जांपल के तौर पे पूछते हैं, धड़ाक धड़ाक बता दीजिए इसमें होगा क्या, मतलब ये लिखा गया है क्या, किसी एक्सप्रेशन में लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये 2 और 5 पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं, जितने दोनों का पेयर बनेगा उतना ही जीरो जाएंगे आएंगे। अब इसमें कितने जीरो आएंगे, सर 1 पेयर तो बना रहा है, 1 जीरो आएंगे, 1 जीरो आएगा, इसमें बताओ कितने जीरो आएंगे, सर 2 जीरो आएंगे, क्योंकि 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2 दोनों मिला के 2 पेयर, ठीक, इसमें बता दीजिए कितना आएगा, सर 5 के पावर तो 4 है मगर यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो जितना 2 है उतना ही बनाएगा, दोनों में मिनिमम कितना 2 मिनिमम, तो 0 कितना 2 ही जीरो, इसमें बताइए इसमें कितने 5, तो सर 1 है मगर 2 के पावर 5 है, 5, 2 की तो कमी ही नहीं है मगर 1 की कमी है, तो कितने 1 ही बनेंगे बेचारा, ये बेचारा के साथ 4 बढ़ ही गया, बात समझ में आया, तो हमेशा ये बेसिक हुई, ये बेसिक बात हुई। अब इस पे सारे एडवांस लेवल के जितने क्वेश्चन है सारे दर दर आगे कर लेने हैं, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन जो इस बता ही दिया मैंने, इसमें बोल दिया जाएगा ऐसे एक्सप्रेशन देके नंबर ऑफ जीरो बताओ क्या बोलोगे सर, यहाँ पे सिंपल सा काउंट करेंगे 5, 3 है, यहाँ पे कितना है 5 है 2, 5 कितना 3 और 2 कितने हैं 5, मतलब क्या 5 के पावर 3 हुए और 2 के पावर आपको लिखना नहीं है, देख लो आप मिनिमम कौन हुए दोनों में 3, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे इसमें 3। अब यहाँ पे देखिए आंख बंद करके देखिए 5 के पावर 3, 3 और 2, इसको तो कोई मतलब ही नहीं जीरो से, ये काहे बीच में घुस गया, ठीक है, तो 5 के पावर 3 और 2 के पावर 2, अब यहाँ पे मिनिमम कौन है दोनों में, दोनों के पावर में मिनिमम कौन 2 के पावर, आंसर 2, इसमें कितने सर इसमें तो 2 है ही नहीं बेचारा, 5 अकेले करेगा क्या, कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता सर, 1 भी जीरो नहीं होगा, 0 0 होगा, मतलब 0 कट, कोई 0 नहीं।
अब इसमें बताइए कितना होगा, सर यहाँ ना दो है ना पाँच है, कैसे करेंगे आप, क्या बोल रहे हैं, इसमें जीरो बनने की कोई संभावना ही नहीं है, काम खत्म। तो जीरो कभी भी नंबर ऑफ जीरो का पुआत करेगा तो वहाँ पे हम देखेंगे दो और पाँच का पेयर कितने हैं, काम खत्म है। आइए अब आइए, अब बोला जा रहा है फैक्टोरियल सौ में कितने जीरो होंगे, अब ये कैसे बने, कैसे करें, कैसे करें। अब देखो सर, इसमें थोड़ा लॉजिक समझो और उसके बाद इसको करने का तरीका बताएंगे, उसके बाद धड़ाक धड़ाक बन जाएगा। अब देखो फैक्टोरियल सौ जो है इसमें मतलब क्या लिखेंगे इसको आप, एक गुणे दो गुणे तीन, अप टू कहाँ तक जाएगी, ये सौ तक जाएगी, हाँ याना बताइए, इसको लिख दीजिए चार, इसको लिखिए पाँच, मतलब समझाना है कुछ हमको अभी, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ छः, और यहाँ पे कितना अप टू कितना जाएगी, सौ जाएगी, जाएगी जाएगी। अब हमको हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ दो निकल जाए और नंबर ऑफ पाँच निकल जाए, उसमें से क्या निकलेगा, जो कम है, जो कम है वो निकलना चाहिए, हाँ याना, दो और पाँच में क्या निकलना है, दो और पाँच में क्या निकालना है, नंबर ऑफ कम पेयर जिसमें है वो निकालना है, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ पेयर यदि कम है, हमको ये बताइए दो कहाँ कहाँ है, सर यहाँ पे दूसरा पेयर दो आ जाएगा, फिर यहाँ भी दो मिल जाएगी, यहाँ भी दो मिल जाएगी, मतलब दो की तो कमी है ही नहीं। अब पाँच कहाँ मिलेगी, सर यहाँ पे पाँचवा पोजिशन पर पाँच मिलेगी, फिर आगे चल के दसवां पोजिशन पर पाँच मिलेगी, मतलब पाँच मिलने की संभावना इसमें कम है कि नहीं। हम यदि यहाँ पे ये डिसाइड कर लें कि एक से लेके सौ तक में कितना बार पाँच आया है गुणनखंड में, तो हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरो क्या है, क्योंकि दो की संख्या तो बहुत बहुत है, यहाँ भी दो आ गया, 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 मगर पाँच की संख्या क्या है, कम है, पाँच की संख्या क्या है, कम है। तो पाँच हम यदि निकाल के रख दें यहाँ पे, पाँच निकाल के रख दें तो काम खत्म है, बात समझ में आया कि नहीं। तो हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे, फैक्टोरियल वाला टर्म में पाँच पे कंसंट्रेट करेंगे, उसमें भाई पाँच कितना बार है, पाँच कितना बार है, तो हम यहाँ पे पाँच निकालने की कोशिश करते हैं। और ये निकालने क्यों निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दो की कमी नहीं है, दो हर दूसरा बार में आ जा रहा है, मगर पाँच पाँचवा बार मार रहा है, मतलब पाँच कम आ रहा है, ठीक। अब हम देखेंगे इसमें पाँच कितना बार आएगा, इसका तरीका निकालने का है, क्या है तरीका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ सौ है, सौ जितना यहाँ पे बोला जा रहा है उसको पाँच से डिवाइड करिए, कितना बचा, बीस बचा, बीस बीस हुआ, मतलब जो आया भागफल, और फिर 20 जो बचा उसको 5 से करते चलिए, फिर 20 को कितना से करिए, 5 से करिए, कितना बचा, 4 बचा। अब 4 को 5 से करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, 5 को 4 से करेंगे तो नहीं आएगा ना भागफल कुछ, नहीं ना, 4 ही बचेगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया, 24, ये दोनों को जो ऐड किए तो कितना आ गया, 24, मतलब इसका कहने का मतलब 24 मतलब क्या हुआ, ये सारे को एडिशन में, ये जो गुणाहार है, यहाँ पे 5 आया, 25 आ गया तो 2 5 मिलेगा वहाँ पे, फिर आगे 125 होगा तो 3 5 वहाँ पे मिलेंगे, ऐसे ऐसे काउंट करके टोटल 24 को 5 मिलेगी, क्या 24 5 मिलेगी, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए। दो की तो कमी होगी नहीं, दो निकालना ही नहीं आपको, दो निकालना ही नहीं, क्योंकि दोनों में देखना है ना, दोनों में पावर मिनिमम कौन आ रहा है, तो मिनिमम 5 आ जाएगी, काम खत्म। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। सेम कहानी, हमको फैक्टोरियल दिखा, उसमें हमको सर्च क्या करना है, नंबर ऑफ पाँच कितने आ रहे हैं, दो पे हमको ध्यान नहीं देना है, क्यों नहीं ध्यान देना है, लॉजिक बताओ यदि पूछते कोई, क्योंकि सर नंबर ऑफ दो बहुत आएंगे और पाँच कम आएंगे, हमको कम चीज पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे कितना, 100, 100 बट्टा कितना 5, ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है, 200 बट्टा 5 ये कितना हो जाएगा 40, 40 बट्टा 5 ये कितना हो जाएगा 8, 8 बट्टा 5 ये कितना हो जाएगा 1, हो गया, हाँ या ना। तो यहाँ पे 240 48 कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे कितना होगा, 249 हो जाएगा, 249 हो जाएगा, 249 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ए विल बी आंसर, ए विल बी आंसर, 249 होगा, होगा कि नहीं, तो ए हो जाएगा आंसर, हाँ या ना। क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे सेम कहानी, आप यहाँ पे किए तो 200 हुआ, फिर 240 आया, फिर इसको 5 से किए, और यहाँ पे एक एक आया, एक कैसे, भागफल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तीन शेष मत लिख दीजिएगा लास्ट में, 5 एक 5 हुआ ना, तो एक वो वाला बात कर रहे हैं, जो बच गया उसको छोड़ देना है। अब सारे को ऐड कर लिए, 249 क्या आ गया, 5 को 49 249 आएगा, इसमें जीरो की संख्या 249 आए, काम खत्म, ठीक। अब आइए अगला, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो बोल रहा है क्या होगा, 10 के पावर कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 10 के पावर कितना है, 2 है, बताओ कितना जीरो आएगा भाई, सर यहाँ पे 10 के पावर, यहाँ भी सेम कहानी, जो मिनिमम है वही आएगा। अब देखो यहाँ पे जोड़िए आप, इसको 3 जोड़िए और इसको ये जोड़िए, देखिए 0 0 1 1 आया, कितना आया, 2 0, मिनिमम कौन था, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। वहां पे जोड़ के देखना नहीं है आपको, यदि ऐसे पूछ दे बहुत सा लंबा सा 50 आगे क्वेश्चन होगा ही, तो इसमें इस तरह से इस टाइप का यदि क्वेश्चन आएगा तो इसमें देखेंगे सेम कहानी, मिनिमम कितना पावर है, वही नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे 2। अब देखो सर यहाँ पे आंख बंद करके बताओ कि नहीं कितना, 65 या 65 कितना होगा, अरे इसमें तो लिखा ही नहीं ऑप्शन, 25 करिए इसको, इसको 25 करिए, इसको 65 करिए, ऑप्शन नहीं दे रखा है, गलती मतलब एडिट नहीं है, ऑप्शन 60 करिए। तो यहाँ पे यदि पूछेगा तो आंख बंद करके क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे,
सर नंबर ऑफ जीरो की बात कर रहा है तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मिनिमम कितना, 25, 25 मिल गया सर। बात समझ में आ गई ना, कैसे कैसे बताया था पहले, क्योंकि जब इसको जोड़ने जाइएगा तो एक पे पावर 25 तो जीरो यहाँ तो दिखेगा ही, आएगा ही आएगा, मगर एक ये जो 65 वाला है वहां पे तो ये एक वाली एक आ जाएगी ना, तो 65 वाला कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ब्रेक कर देगा चेन को, तो चेन को ब्रेक करेगा तो कौन सा बचेगा, ये 25 वाले बचेंगे। चलिए अब आइए, अब देखिए इसमें कितना जीरो होगा, अब इसको कैसे करेंगे, कैसे, सेम कहानी जो कहानी पहला वाला में था पावर वाला में, सेम कहानी यहां भी घटेगी, यहां भी आपको इसको इसमें कितना जीरो है इसको देखना ही नहीं है, हमेशा इसमें क्या है बेनिफिट, छोटा वाला पार्ट को देखना है, पावर में भी और समेशन है उसमें भी छोटे वाले पार्ट को। तो यहां पे 40 में देख लीजिए फैक्टोरियल 40 में कितने आएंगे, कितने आएंगे जीरो, ऑप्शन यहां भी सही नहीं है, देखते हैं 40 बट्टा 5 यहां पे 8, 8 बट्टा 5 1 कितना 9, तो यहां पे 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 9, ये 10, ये कितना यहां पे मान लीजिए 12 और 13 कुछ कर लीजिए, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ जीरो 9 आ गए। कहां पे कंसंट्रेट किया मैंने, ऑप्शन सही नहीं था, यहां पे कंसंट्रेट किया कितना फैक्टोरियल 40 पे, 40 बटा 5 मतलब 8, 8 बटा 5 एक 9, 9 हो जाएगा जीरो, और इस पे 73 में कितना जीरो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें ही जो मिनिमम होगा वो निकालना है, और 40 में 9 जीरो होंगे, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, हाँ अब देखिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है सर, देखिए अभी फैक्टोरियल के टर्म में है नहीं, एकदम नहीं है, नहीं है, मगर यदि यहाँ पे से दो ले लें, इसमें से दो निकाल, इसको दो निकालेंगे तो क्या बचेगा एक, इसमें से दो निकालेंगे दो, इसमें से दो निकालेंगे कितना तीन, अप टू ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पे दो निकालेंगे 250, मतलब सब में से दो 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 करके खींच लिए तो एक से लेके 250 तक गई सब, गुना गई, इसका मतलब यदि कंटिन्यूस किसी से गुना हो रहा है तो फैक्टोरियल है। अब पहले तो नहीं था, मगर जब हम दो सारे में से कॉमन ले लिए, दो कॉमन ले लिए तो कितने बचे, दो के पावर कितने बचे, 250 तो बच गए, हाँ या ना, क्योंकि 250 ही टर्म है। अब कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे क्या बचा, 250, दो के पावर 50, 250, दो के पावर 250, और फैक्टोरियल कितना, दो 100 कितना 250 फैक्टोरियल। अब हमको क्या करना है, इस पर तो कंसिडर करना है, दो बहुत है, पहले भी दो बहुत हुआ करता है, 250 फैक्टोरियल में कितना जीरो हो, ये निकाल देंगे, कैसे, जो निकालते हैं 250 बटा 5 मतलब कितना 50, 50 बटा 5 ये 10, 10 बटा 5 ये 2, ये कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, सी विल बी आंसर, काम खत्म। बात समझ में आ गया, अब इससे ज़्यादा जीरो वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बात को कंफर्मेशन है। आइए इसमें देखते हैं क्या होगा, ये दिख गया, अब बताओ इसमें जीरो कितना होगा, बोले कि सर आपने तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं दो चाहिए और पाँच चाहिए, भाई यहाँ पे सर पाँच तो दिख रहा है सारा, इसमें क्या है ना प्राइम नंबर का गुणनफल है सर, इसमें दो तो है ही नहीं, दो एक भी नहीं है, दो नहीं है, अब बोलोगे सर प्राइम तो दो भी होता है ना, तो उसमें नहीं है, तो नहीं दिया है ना वो, तो दो नहीं दिया है, तो दो नहीं है क्योंकि सारे ऑड नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे, प्राइम नहीं सॉरी ऑड नंबर की बात कर रहा है, ऑड नंबर का बात कर रहा है तो ऑड नंबर में दो कभी आएंगे क्या, दो ऑड नंबर गुणनफल है तो एक भी जीरो नहीं होगा, डी विल बी आंसर। तो यहाँ ये कंसेप्ट इसके बाद आपका गलत नहीं होना चाहिए, हमको लगता है नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।